दोस्तों गाड़ू का चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या आप MI का फोन यूज करते हैं और MI फोन के अंदर आपने ऑडियो अपडेट किया और जब से आप ऑडियो अपडेट किए तब से आपको कई तरह की प्रॉब्लम आती होगी, यानी बग्स आपको देखने को मिलता होगा। जैसे कि आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्लोज ऐप के ओपन बताता है ऑप्शन, और जैसे आप कैमरा ओपन करते कैप्चर करते फोटो तो आप गैलरी के अंदर आपको शो नहीं करता। बहुत सारे ऐसे बग आपको देखने को मिला होगा, यानी मैंने भी ऑडियो अपडेट किया था तब से मेरे को भी बग काफी सारा आने लगा और मैं इससे काफी ज्यादा परेशान था। और आप चाहते हैं कि ये सब बग को आप फिक्स करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे MI ने यहाँ पे एक और नया यहाँ पे अपडेट दे चुका, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बग था ये अपडेट करने के बाद सारी की सारी बग को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सारी की सारी फिक्स कर सकते हैं पूरी बग को। और ये अपडेट आप सभी MI A1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी MI का फोन यूज करे सभी का सभी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। और कैसे ढूंढ पाएंगे, कैसे मिलेगा ये अपडेट को, तो ये वीडियो को देखिएगा, आप सभी को पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं कर लेता हूँ वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा मेरा मोबाइल और यहाँ पे MI A1 है और इसी में काफ़ी ज़्यादा बग आ रही थी। यानी आप कोई भी MI फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं और इसमें ऑडियो अपडेट करने के बाद आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये अपडेट आपके फ़ोन के अंदर आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो वो मैं आपको बताऊँगा कैसे अपडेट को ले सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं ताकि आपका जो भी बग होगा वो फिक्स कर पाएंगे ये अपडेट करने के बाद। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना होगा। अपने मोबाइल के सेटिंग में जाने का नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम मिलेगा, तो सिस्टम को क्लिक कीजिएगा। सिस्टम को जैसे क्लिक करने का यहाँ पे सिस्टम अपडेट मिलेगा, तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट को क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोडिंग ऑप्शन, यानी यहाँ पे मिलेगा MB, तो यहाँ पे 440 MB का यहाँ पे अपडेट आया गया। और यहाँ पे क्या क्या चीज को फिक्स किया गया यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच भी है और यहाँ पे डिवाइस को इम्प्रूव किया गया है, ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे किया गया, डाउनलोडिंग स्पीड को भी बढ़ाया गया, नेटवर्क को भी यहाँ पे फिक्स किया, बग को रोमिंग को फिक्स किया, और चार्जिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यानी स्लो चार्जिंग होता है तो उसमें भी आपको चार्जिंग यहां पे फास्ट किया गया, इंप्रूव किया गया, यहां पे बग को फिक्स किया गया। तो चलिए यहां पे कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे आप चेक कर पाएंगे, तो यहां पे आप यहां पे आना होगा, यहां पे सर्च करना होगा, तो यहां पे अपडेट मिलेगा। तो अपडेट करने के बाद यहां पे देख सकते कि यहां पे मेरा डाउनलोडिंग पहले से कर चुका था और यहां पे डाउनलोडिंग मेरा यहां पे कंप्लीट हो चुका। कंप्लीट होने के बाद यहां पे सिस्टम अपडेट इंस्टॉलिंग यहां पे होने जा रहा है, तो यहां पे होने देता हूं। तो यहां पे डाउनलोड होने में काफी समय लग सकता है, यानी आपके नेट का कितना स्पीड है उसके हिसाब से आपका डाउनलोडिंग काफी ज्यादा स्पीड हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली यहां पे देख सकते हैं यहां पे मैंने डाउनलोड कर चुका। डाउनलोड करने के बाद यहां पे क्या करूंगा, रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा। रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहां पे मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होगा और स्विच ऑफ होने के बाद जो आप अपडेट किया वो इंस्टॉल होगा पूरी सिस्टम के अंदर, तो यहां पे कुछ समय लग सकता है। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो चुका पूरा, यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे फिनिश एंड्रॉयड अपडेट, तो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे फिनिश हो चुका। और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा था डाउनलोड होने में, कम से कम आपको टाइम लगेगा स्पीड के हिसाब से। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बूटिंग हो रहा है, यानी फिनिशिंग अपडेट यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे होने देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे आपको यहाँ पे सिस्टम अपडेट हो चुका, जो भी 440 का था यहाँ पे अपडेट था, MB था, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद बढ़िया तरीके से आप यूज कर पाएंगे जो भी आपको प्रॉब्लम था। इस अपडेट करने के बाद आपको सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो गया होगा, अपडेट मिल चुका होगा और जो भी चीज प्रॉब्लम था आपको सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा ये अपडेट करने के बाद। तो यही था आपको अपडेट करने के बारे में बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और एक साइड वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।